नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। मुतक्की, सलात, रहमत, अल्लाह के बंदे, चौंकिए मत, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं बल्कि कोड हैं। धर्मांतरण गिरोह के कोड, हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब को बदनाम करने वाले कोड, भारतीय भाईचारे में आग लगाने वाले कोड। UPATS ने धर्मांतरण गिरोह का भंडाफोड़ किया तो कई बातें सामने आई। हर नई सुबह के साथ चौंकाने वाले खुलासे हुए तो हर शाम के साथ नई बात सबके सामने आई। सबसे पहले खबर आई कि ये सब मूक बधिर बच्चों के साथ किया गया। फिर खबर आई कि देश में 1000 से ज़्यादा लोगों का धर्म बदला गया। फिर खबर आई कि गिरफ्तार किए गए मौलाना में से एक हिंदू ही था। इसके बाद इस मामले में विदेशी फंडिंग की बात शामिल थी। इसके बाद स्कूल भी आया। अब ऐसे में सवाल था कि मूक बधिर बच्चों से संवाद कैसे किया जाता था, तो अब इस मामले में कुछ कोड वर्ड सामने आए हैं जिन्हें डिकोड कर लिया गया है। जी हाँ, लखनऊ में धर्मांतरण के मामले में पकड़े गए आरोपियों ने साइन लैंग्वेज कोड वर्ड के द्वारा बातचीत करने का तरीका अपनाया था, जिसका ATS को पता चला है। ATS ने बातचीत के कोड को डिकोड कर लिया है, वहीं एक कोड वर्ड को डिकोड करना अभी बाकी है। UPATS ने बताया है कि अभी तक ऐसे 7 कोडवर्ड सामने आए, इनमें से 6 को जहां डिकोड कर लिया गया है, एक को डिकोड करने का प्रयास जारी है। बताते हैं कि ये कोडवर्ड क्या है और इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और क्या इसका मतलब है। ये शब्द आपकी स्क्रीन पर है। पहला, रिवर्ट बैक टू इस्लाम। इसका मतलब है धर्म परिवर्तन अभियान, यानी धर्म को परिवर्तन करना। डेफ सोसाइटी की टीचर यही काम करती थी और इस कोड के जरिए बातचीत करती थी। छात्रों को इसी कोड के साथ बातचीत पर धर्मांतरण की तरफ ले जाती थी। दूसरा कोड वर्ड है मुतक्के, अपने अधिकार और सच्चाई की तलाश। इस शब्द का इस्तेमाल ATS को पूछताछ में पता चला है कि हक और सच को तलाश करना है। इसको बार बार बोलकर बच्चों और अन्य में बातचीत के लिए प्रयोग किया जाता था। तीसरा है सलात, यानी नमाज पढ़ना। ये शब्द नमाज के लिए कहा जाता था। इस्लाम में जो धर्मांतरण करता उसको ये जिम्मेदारी दी जाती थी। ये शब्द बहुत बार बोला जाता था, जिससे आम बोलचाल में से बोला जा सके, इसका इस्तेमाल किया जा सके। चौथा शब्द है रहमत। इस शब्द के असली अर्थ पे ना जाए, क्योंकि इसका अर्थ यहाँ पे है विदेश से आने वाला फंड, यानी कि बाहर विदेशों से आने वाला पैसा। इस नाम से कोड में बातचीत किया जाता था, इसी वजह से किसी को भनक तक नहीं लगी। पांचवा कोड है अल्लाह के बंदे। इसका मतलब किसी फरिश्ते से नहीं बल्कि उन लोगों से है जो सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो को लाइक किया करते थे। कोई यूट्यूब या सोशल मीडिया से मूक बधिरों के लिए डाले वीडियो पर लाइक करता था तो उसके लिए अल्लाह के बंदे शब्द का इस्तेमाल किया जाता। छठा कोड वर्ड है मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, यानी धर्म परिवर्तन करने वाले का नाम। यह कोडवर्ड में धर्म परिवर्तन करवाने का नाम था। एक ID के रूप में इसको बनाया जाता था। सातवां कोड है कॉम का कलंक। इसे डिकोड नहीं किया जा सका है, इसकी जांच की जा रही है। ATS IG के मुताबिक धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने यह बात बताई कि साइन लैंग्वेज में बात करने के लिए कोडवर्ड का प्रयोग किया जाता रहा है। 6 कोडवर्ड डिकोड कर लिए गए हैं, बाकियों की तलाश जारी है, एक को डिकोड करने की कोशिश जारी है। बता दें कि मूक बधिर बच्चों से बात करने के लिए और उनके दिमाग में जहर की खेती उगाने के लिए सांकेतिक भाषा और इन कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता था। अभी तो पुलिस की पूछताछ जारी है, न जाने और क्या क्या देखने और सुनने को मिलने वाला है। खैर, उत्तर प्रदेश के 400 ऐसे मदरसे हैं जिन पर पुलिस की नज़र बनी हुई है, क्योंकि ऐसे ही संस्थानों के जरिए इस गिरोह का नेटवर्क फैला हुआ था। फिलहाल गिरफ्तार हुए लोगों से और पूछताछ जारी है। अभी तक इस मामले में कुल 5 लोग दबोचे जा चुके हैं। मौलाना मोहम्मद उमर गौतम और काजी जहांगीर इस मामले के मुख्य आरोपित हैं। इरफान शेख, मनु यादव उर्फ अब्दुल मन्नान और राहुल भोला के नाम भी इन्हीं दोनों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। इनके पास इस्लामी धर्मांतरण से जुड़े दस्तावेज, विभिन्न बैंकों की चेकबुक, पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन को बरामद कर लिया गया है। अब देखना होगा कि जाँच जैसे जैसे आगे बढ़ती है क्या कुछ नया सामने आता है। इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।